बरहाय रास्त एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइंस पे जुड़ गए हैं, बरहाय रास्त पुणे से, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर अनंत भागवत साहब, चेयरमैन ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन पुणे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे सर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू, और क्या कहेंगे आज की सूरत हाल के बारे में? आज की सूरत हाल के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश भारत बहुत ही तरक्की कर रहा है, पूरे दुनिया में चमक रहा है, ऊपर ही उठ रहा है, भले वो इकोनॉमिकली हो, फिर अपनी मिलिट्री पावर हो या फिर अपनी सॉफ्ट पावर हो, दुनिया में लोहा मनवा रहा है सब फील्ड से, सभी एंगल से एक बहुत ही ऊंचाई को छुएगा, ऐसा आसार दिख रहे हैं, और नए ईयर में ये और भी तेजी से आगे चलेगा। डॉक्टर साहब, आपने एक बार कहा था कि जो टर्माइल यहाँ पे कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिला, उससे कश्मीर में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ, अब पोस्ट एब्रोगेशन के बाद प्रोग्रेस हो रहा है, क्या आप अपनी बात पे कायम है? जी बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, एब्रोगेशन के पहले ही इसकी शुरुआत तो हो गई थी, जैसे कि कश्मीरी इस साइड से भारत की जो लाइन है वो जैसे उनको समझ में आने लगी, बहुत पहले से ये बदलाव हो ही रहा था। ये एक एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A, ये तो एक बस महज चीज थी जिसने और भी स्पीड कश्मीर की तरक्की की बढ़ा दी। इतना ज्यादा पोटेंशियल रखता है कश्मीर और कश्मीरियत, इतना ज्यादा, भले वो टूरिज्म हो या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या तो फिर आपका जो हुनर है कारपेट ये वो, तो टूरिज्म कारपेट और एक्सपोर्ट, इसके बारे में कश्मीर ने बढ़ना तो था ही, कश्मीर ने आगे जाना तो था ही, बस एब्रोगेशन के कारण इसको एक अच्छी खासी स्पीड और चैनलाइज हो गया ये सब। डॉक्टर साहब, आपने ग्लोबल लेवल पे सूफिज्म के हवाले से काफी अच्छा काम किया है और आप चाहते हो कि सूफिज्म का जो कल्चर है वो रिवाइव हो जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि सूफिज्म और खास करके कश्मीरी सूफिज्म ये एक सबसे अलीम किस्म की एक विचारधारा है, एक मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस कॉम्पोजिट कल्चर का दुनिया का एक बेहतरीन नमूना है। अगर इसी को लेके हम चलते हैं तो कश्मीर का इंटीग्रेशन भारत के साथ जो हो रहा है वो बहुत ही बढ़िया स्पीड पकड़ेगा, और इतना ही नहीं है, भारत विश्व गुरु जो बनने जा रहा है पूरे दुनिया में, तो उसके लिए कश्मीरी सूफी फिलोसॉफी ये एक बहुत बड़ा बेस तैयार हो जाएगा सर। माइनॉरिटी तो, जी 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 बताइए बताइए। कश्मीरी सूफी जो ये है फिलोसॉफी, उसके बेस पे पूरा दुनिया शांतिपूर्व तरक्की कर पाएगा, अगर यही मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस कॉम्पोजिट कल्चर पूरे दुनिया में कश्मीर से लेके फैल जाता है तो ये एक विश्व शांति के लिए, विश्व प्रगति के लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। और जो तीसरी जंगे आजिम लोग कहते हैं कि होने ही जा रही है, तो वो टालने की ताकत अगर कोई रखता है तो ये कश्मीरी सूफीज्म है और उसकी फिलोसॉफी थॉट्स है। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगा, चूंकि आपके पास काफी तजुर्बा है, आप देश दुनिया में जाते हैं, लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, माइनॉरिटीज का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, और अगर हमारे देश में देखा जाए तो माइनॉरिटीज ने हमेशा देश की फलाभूत के लिए अपनी सलाहियतों को बरोईकार लाया, क्या आप चाहते हैं माइनॉरिटीज को एक वसत मिले और माइनॉरिटीज को पूरा रेस्पेक्ट मिले ताकि देश ज्यादा तरक्की करे? जी सर, वैसे बोला जाए तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी ये जो टर्म्स है वो इतनी ठीक नहीं है यार, हम सब लोग माइनॉरिटी मेजॉरिटी ये चीज
तब आती है जब भी कुछ नए से हम लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहने का शुरू करते थे। तो यार हम कभी से एक ही है यहाँ पे, हमेशा कोई मेजोरिटी माइनॉरिटी ऐसी चीज ही नहीं है, बस अलग अलग धर्म, उल्टा एक बेहतरीन कल्चरल मैच्योरिटी है हमारे भारतीय फिलोसॉफी में हमेशा लाती रही है। तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ऐसा फर्क मेरे ख्याल से अभी करना ही नहीं चाहिए, हम लोग एक ही हैं यार। कहाँ आप और हम, हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन, ये सब इसी धरती के हैं, एक ही कल्चर में पले बड़े हैं, सदियों से हैं, हजारों लाखों साल से यहाँ पे इकट्ठा रह रहे हैं और इस देश की प्रगति में हमेशा सभी का योगदान रहा है। तो माइनॉरिटी सभी का, और मैं तो ये समझता हूँ कि जिसको आप मेजॉरिटी माइनॉरिटी ये कह रहे हैं वो सब धर्म पंथ जाति सभी का इतना बड़ा योगदान भारत की तरक्की में हमेशा से हो रहे हैं, होते आया है, कि मैं समझता हूँ कि वी ऑल आर, बी इट हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस, वी ऑल आर इक्वल पार्टनर्स ऑफ दिस ग्रेट नेशन कॉल्ड भारत। That is very so nice of you that you have got such type of arguments and you want every community to flourish. Doctor Saab, youth has always played a major role in building India. Would you like to just give a thrust on providing of more jobs to the unemployed youth in India or for that matter in Jammu and Kashmir Union Territory? जी 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 बिल्कुल, डेमोग्राफिकली भारत का सबसे बड़ा एक जो एडवांटेज आज की दुनिया में है तो वो यंगेस्ट पॉपुलेशन है हमारा पूरी दुनिया में। डेमोग्राफिक्स इज इन आवर फेवर कि यंग लोग हु विल कंट्रीब्यूट हेवीली टू द राइज इकोनॉमिकल वेलबींग ऑफ भारत, दैट वी हैव इन प्लेंटी। Then there is another great advantage that we have is we have the largest English speaking and English understanding youth, technically and education wise they are placed on a very high level, even globally. We have IITs, we have IIMs, we have so many institutes in India that we have the largest highly educated, technically superior workforce, and that's Indian youth. And right, sir. So right, this sir. Is going to be Indian youth is going to be the power or engine pushing India to the third largest economy, maybe in an year or two. Sir, any special plans for the unemployed youth of Jammu and Kashmir with regard to jobs? Ji sir, see, just a few years back, maybe 5-6 years back, it was that our organization used to try and find out jobs for Kashmiri youth outside of Kashmir, maybe in Delhi, Gujarat, UP, MP, Maharashtra, like that. And so we have conducted many such employment fairs in many states of rest of India. But now that the investment is external investment, foreign investment is coming in Kashmir to such a great extent that Kashmiris won't have to go out and seek jobs soon. As you have heard of, many countries in Gulf have invested heavily in Kashmir. So industrially and tourism and exports of Kashmiri artifacts and all is going to be to surge to such an extent कि कश्मीरियों को, यूथ को एम्प्लॉयमेंट तैयार करने की अलग से अभी कोई जरूरत नहीं रहेगी। कश्मीरी बाकी लोगों को अभी एम्प्लॉय करेंगे अपने यहाँ, क्योंकि इतना बढ़िया एब्रोगेशन के बाद में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना है कश्मीर में कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, आनी ही है, बहुत बड़े पैमाने पे आ रही है। वर्ल्ड का स्विट्जरलैंड कश्मीरी बनने जा रहा है,
और फिर इट विल बी द ग्रेटेस्ट हॉटस्पॉट फॉर टूरिज्म। आज जो जो आज थोड़ी बहुत किल्लत है जॉब्स की ये कश्मीर में या एम्प्लॉयमेंट की, तो कश्मीरीज विल बी सेल्फ एम्प्लॉयड सून, दे वोंट हैव टू डू जॉब्स एंड ऑल आर सीक जॉब्स इन सम फार अवे स्टेट। नो, कश्मीर इज गोइंग टू फ्लरिश लाइक एनीथिंग, मे बी एन ईयर और टू, एंड मार्क माई वर्ड कश्मीरीज विल हैव टू यू नो इन्वाइट वर्क फोर्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कश्मीर टू फुलफिल देयर ग्रोथ। डॉक्टर साहब, आखिरी दो सवाल मेरे, ये छोटे छोटे सवाल है और काफी अच्छा लग रहा है मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप अपने दिल से खुले तरीके से हमारे साथ यानी कश्मीर न्यूज सर्विस के साथ जो एक ओल्डेस्ट न्यूज एजेंसी है और इसके साथ बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, नशीली अद्वियात जो ड्रग्स का मामला है आजकल, सर बहुत सारे नौजवान जो है ड्रग्स का शिकार हो गए हैं देश दुनिया में, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है सर, जो हमारे पास डेटा है आजकल ड्रग्स का जो ये सिलसिला है ये चल पड़ा है, जिससे बहुत सारे जो हमारे नौजवान हैं उनकी जिंदगियां तबाह हो गई है, इस बारे में क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी कि ड्रग्स का इरेडिकेशन हमारे समाज से हो? जी सर, इसका एक मैं पहले आपको थोड़ा सा टाइम टेबल बोलूंगा। कश्मीर में ड्रग्स पुश करने का जो काम हमारे एडवर्सरीज पाकिस्तान में आईएसआई के थ्रू और अफगानिस्तान में तैयार हुए ड्रग्स यहाँ पे लाके जो खराबी की थी, तो वो सिलसिला मेरे ख्याल से अभी धीरे 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 बंद हो रहा है। दो चीजें हैं कि जो तालिबान गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में उन्होंने पूरा ये अफीम की खेती पूरी बंद कर दी है, तो अभी लेस ऑफ ड्रग्स आर बीइंग इंजेक्टेड इनटू इन भारतीय पंजाब एंड कश्मीर। सो दिस प्रॉब्लम आल्सो ऑन अ लार्जर स्केल इज गोइंग टू बी सॉल्व। अभी बात रही जो ऑलरेडी इसके चपेट में आ गए हैं ऐसे कश्मीरी जो नौजवान हैं, हमने इसके एंटी नार्को टेरर, हम इसको खाली नार्कोटिक्स या ड्रग एडिक्शन नहीं कहते, हम इसको नार्को टेररिज्म कहते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान और आईएसआई की सोची समझी एक प्लानिंग के तहत की हुई एक साजिश है भारत के खिलाफ। इसको खाली ड्रग्स ना देखें आप, वो खोखला करना चाहते थे कश्मीरी सोसाइटी को ताकि उनके लिए यहाँ पे टेररिज्म करना आसान हो जाए, लेकिन ये भी अभी धीरे 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 पूरा इंटरनेशनली ऑन अ ग्लोबल स्टेज ये डिफीट हो रहा है ये उनका पर्पस। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में अफीम की खेती बंद हो गई है, तो वो सब जो ड्रग नेटवर्क का एक ये था वो धीरे 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 अपने आप खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा बहुत सारा। रही बात जो ऑलरेडी इसके चपेट में आए हैं, तो उनके लिए हम कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स, कुछ साइको एनालिस्ट और कुछ इस किस्म के लोग जो ऑलरेडी हो चुका है नुकसान उसको ठीक करेंगे, और ये बड़े पैमाने पे हम करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने कुछ विदेशी लोगों को इसके पहले हम लोग लेके आए थे यहाँ पे, देर इज वन डॉक्टर आमना मिर्जा, तो उनको हम यहाँ पे लेके आए थे अपने कश्मीर में। फिर एक नुपुर तेवारी करके एक जो जापानीज लेडी है एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस एंड हुज वर्क्ड इन कश्मीर विद जीएसवीएफबी टुवर्ड्स दिस यू नो रिपेयरिंग द माइंड्स दैट हैव गॉट ब्लोज बोथ वेज बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस दिस थिंग ये फौज का प्रेजेंस और टेररिज्म के कारण भी एक दिमाग पे असर होता है, और दूसरा तो ये ड्रग्स का, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी कई कैंप्स किए हैं कश्मीर में, लेकिन इसको वापस हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा आधे में हम इसको बड़े पैमाने पे करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस का भी इसमें अच्छा खासा योगदान रहा, और फिर द बेस्ट न्यूज इज दैट नार्को टेररिज्म इज गोइंग टू गो डाउन इन कश्मीर एज वेल एज पंजाब बिकॉज ऑफ यू नो द चेंज्ड कैनवास ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अफीम इन द वर्ल्ड।
maybe it has shifted a bit from Kashmir to northeast of Bharat, but then that also will be taken care of. Doctor, we have very bright hopes. जी डॉक्टर साहब, आखिरी दो सवाल मेरे, एक इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का एंड करूं यानी वाइंड अप करूं, आपसे मेरी गुजारिश कि कोई खास बात, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि रिपोर्टर के जहन में कुछ सवाल होता है लेकिन वो जब पर्सनैलिटी के साथ इंटरव्यू करता है या बात करता है वो भूल जाता है, मैं आपको मौका दे रहा हूं, कोई खास बात, कोई खास पैगाम जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लोगों तक आप पहुंचाना चाहेंगे? हाँ, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर ये अभी जल्द ही स्टेट भी बनने जा रहा है, इट विल बी लाइक एनी डॉक्टर साहब, बड़ी बात कह रहे हैं आप, ये स्टेट बनने जा रहा है, ये तो बड़ी बात होगी, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? सून इट विल बी लाइक एनी अदर स्टेट ऑफ भारत, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट विल बी, जैसे कि हम इसको शीर्ष बोलते हैं, तो ये बहुत ही उन्नत रहेगा, इसकी स्टेट की इकोनॉमी भी बहुत ही बढ़िया रहेगी पूरे भारत में अगर एवरेजेस आप कंसिडर करते हैं तो, और इतनी तरक्की होने जा रही है, इतना टूरिज्म आने वाला है, इतने यहाँ से एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, यू हैव कश्मीर हैज गॉट अ वेरी ब्राइट फ्यूचर सर। सर आखिर पे डॉक्टर साहब, क्योंकि जी आखिर पे क्योंकि आप कश्मीर आते रहते हैं, जम्मू जाते रहते हैं, लद्दाख भी जाते हैं, लेकिन आप बताइएगा क्या कश्मीर आने का आपका प्रोग्राम कब होगा? जी सर, वैसे तो प्लानिंग के हिसाब से हम जल्द ही कश्मीर में जनवरी के में भी लास्ट वीक में आ ही रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो हमारा कुछ एक बड़ा अनोखा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड चीज कश्मीर के स्मूथ एंड कंप्लीट इंटीग्रेशन विथ रेस्ट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो कुछ हम प्लान कर रहे हैं, बहुत बड़ा अनोखा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम, तो वो तो मेरे ख्याल से मार्च के अप्रैल में ही हो पाएगा, कंसिडरिंग ठंड बर्फबारी इस हिसाब से, वो तो रियल एंट्री हमारी फिर अभी वापसी कश्मीर में अप्रैल में ही हो पाएगी, लेकिन उसके पहले तो आते जाते रहते हैं, नेटवर्क हमारा बना है अच्छा खासा, उसको बढ़ाना भी है, और एक बढ़िया एक प्रोग्राम हम चलिए डॉक्टर साहब, कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं ऐसा कुछ, कश्मीर में एक प्रोग्राम GSPFT कराना चाहती है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ भारत माता एंड कश्मीर एंड स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ दिस सून टू बी ए स्टेट कश्मीर, और कश्मीर की तरक्की बस लोग देखते रह जाएंगे, इतनी बढ़िया तरक्की होने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई अभी इसमें ये नहीं है किंतु परंतु। डॉक्टर अनंत भागवत सर, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आप भी देश की हमेशा से ही तरक्की चाहते हैं और आप इस कोशिश में सभी लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, आपने हमारे सवाल का जवाब दिया कश्मीर न्यूज सर्विस पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि आप जल्दी इस यहाँ पे आएंगे, तब जाके आपके साथ